हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है निकिताज किचन फूड। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो न्यूट्रल जेल केक के ऊपर किस तरह से यूज़ करना है इसका वीडियो है, और साथ ही साथ इसका जो सिंपल डेकोरेशन मैंने किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर केक को डेकोरेट कर लिया है, आइसिंग कर लिया है। तो ये 1 kg का केक है, पाइनएप्पल फ्लेवर का ये केक है। तो यहाँ मैंने न्यूट्रल जेल लिया है, 2 tablespoons मैं यहाँ न्यूट्रल जेल ले रही हूँ। मेरे पास ये न्यूट्रल जेल है, ये न्यू जेल का है, रिच का न्यू जेल है, तो न्यू जेल कंपनी का है ये। तो मार्केट में बहुत सारे कंपनी के न्यूट्रल जेल अवेलेबल है, तो आप कोई भी कंपनी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत गाढ़ा होता है, तो इसे हमें थोड़ा पतला बनाना होगा पोरिंग कंसिस्टेंसी में, क्योंकि इतना गाढ़ा हम केक के ऊपर स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मुझे ये ऑरेंज कलर में बनाना है और मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है, तो मैं यहाँ रेड और येल्लो कलर डाल के ऑरेंज कलर बनाने वाली हूँ। तो 1 drop ही मैंने रेड कलर यहाँ डाला है और 5-6 drop मैंने येल्लो कलर डाला है, तो ये ऑरेंज कलर का न्यूट्रल जेल बन जाएगा। तो देखिए इतना पतला हमें यहाँ पे बनाना होगा, तो ही ये केक के ऊपर स्प्रेड अच्छे से हो पाएगा। अब मैं इसे एक पाइपिंग बैग में भर लूँगी, क्योंकि पाइपिंग बैग में भरने से ये अच्छे से स्प्रेड होगा केक के ऊपर। तो मैंने पाइपिंग बैग में यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा दिया है और यहाँ पे मैं केक के ऊपर इसे स्प्रेड कर रही हूँ। तो मुझे जो ऊपर का जो पोर्शन है वो न्यूट्रल जेल से कवर करना है, तो मैं ऊपर ही न्यूट्रल जेल डाल रही हूँ और जो नीचे का जो पोर्शन है उसे मुझे ड्रिपिंग देनी है यहाँ, और इसे मैं पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें पैलेट नाइफ जो है वो हल्के से घुमाना होगा, हल्के हाथों से। यहाँ पे हमें प्रेशर नहीं देना है, अगर प्रेशर ज़्यादा देंगे तो जो केक की क्रीम है वो भी साथ ही साथ इसके निकल आएगी। तो ये काम हमें बहुत हल्के हाथों से करना होगा। अब नीचे मैं यहाँ पे ड्रिपिंग दे रही हूँ। अगर आपको पूरे केक को जेल से कवर करना है तो आप ऊपर से थोड़ा ज़्यादा जेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और पूरे केक को भी आप कवर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर बनाया है, तो आप कोई भी कलर डाल के आपको जो कलर का न्यूट्रल जेल बनाना है तो बना सकते हैं और केक के ऊपर इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे केक दिखने में बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। अब यहाँ मैंने बॉर्डर बनाने के लिए नूर 46 नंबर का नोज़ल यूज़ किया है और इसी से मैं यहाँ पे बॉर्डर बना रही हूँ। अगर आपने केक को ऊपर से जेल डाल के कवर कर दिया है तो वो अपने आप में ही अच्छा दिखेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा इसे डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपल भी डेकोरेशन करेंगे तो भी ये अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ चॉकलेट फैंस है, चॉकलेट डेकोरेशन है ये, तो उसे भी मैं केक के ऊपर रख दूँगी। तो यहाँ मैंने क्रीम का एक ड्रॉप दे दिया है इसे बेस बनाने के लिए, और इसके ऊपर मैं ये चॉकलेट का डेकोरेशन रख दूँगी। तो ऐसे मुझे यहाँ पे 4 fans रखने हैं। तो इसी तरह से मैं क्रीम का एक एक ड्रॉप देके यहाँ पे रख दूँगी, और देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये केक, और बहुत ही सिंपल डेकोरेशन है। अब यहाँ सामने मैं एक चेरी रख रही हूँ, तो इससे ये और अच्छा लगेगा। तो ये सिंपल सा डेकोरेशन हो गया है, केक हमारा पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।